something to talk about. Kehne ko kuch to ho. By Eden Phillpotts. Phillpotts. ये इंग्लैंड का एक फार्म हाउस है. यहां रहते हैं जनाब रेड चेस्टर और लेडी रेड चेस्टर. रेड चेस्टर एंड लेडी रेड चेस्टर. और साथ में है रेड चेस्टर का भाई बिशॉप पादरी. आधी रात है, सुबह क्रिसमस है. वुल्फ नामी एक नामी ग्रामी चोर घर में आ जाता है. वो तिजोरी को फाड़कर कीमती क्रिसमस गिफ्ट चुराने का अजम रखता है. अभी काम शुरू ही किया था कि रेड चेस्टर का बेटा आ जाता है. वुल्फ उस पर पिस्तौल तान लेता है. नौजवान वुल्फ को यकीन दिलाता है कि वो उसके काम में खलल नहीं डालेगा, बल्कि अपनी जवान बहन को भी बुला लाता है और फिर सारी फैमिली आहिस्ता आहिस्ता वहां वुल्फ के गिर्द इकट्ठी हो जाती है और वुल्फ की मदद करने लगती है, मजाक करने लगती है और महजूज होने लगती है. वुल्फ तिजोरी तोड़ने में नाकाम हो जाता है. रेड चेस्टर शोखा होकर तिजोरी का पासवर्ड बता देता है. वुल्फ तोहफे बैग में डाल लेता है, जाने लगता है, मगर बिशॉप उसे ज्यादा दौलत का ऐसा झांसा देता है कि वुल्फ सब कुछ वहीं छोड़कर रुखसत हो जाता है. और यूं इस खानदान यानी सिडनीज, ये सिडनीज का खानदान है. सिडनीज के पास बताने कहने को एक वाकया मिल जाता है. इन पंजाब यूनिवर्सिटी IUB, सरगोधा यूनिवर्सिटी, गुजरात GC अगेन एंड अगेन क्वेश्चन रेज करती है. हु गेट्स द अनएक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट, किसको गैर मुतवक्का ट्रीटमेंट मिली. द सिडनीज, सिडनीज को गैर मुतवक्का बर्ताव मिला कि वुल्फ उन्हें सारे गिफ्ट देकर चला गया, और वुल्फ या वुल्फ को गैर मुतवक्का ट्रीटमेंट मिली कि सारी फैमिली उसके गिर्द खड़ी होकर उसे कहती है, अच्छा चुराओ, कैसे चोरी करते हो, हम भी तो देखें. 2015 PUUS. Why do the Sydneys behave so nicely? Sydneys ने इतना अच्छा बर्ताव क्यों किया with the burglar, burglar, इस चोर के साथ. 2012 गुजरात. What type of life did Sydney leads? सिडनी किस तरह की जिंदगी गुजारते थे. 2013 ड्रा द करैक्टर स्केच ऑफ बिशॉप, बिशॉप पादरी, रेड चेस्टर का भाई, उसका करैक्टर स्केच लिखिए. 2015 GCU. हाउ डिड बिशॉप डिफीट द प्लान ऑफ वुल्फ, बिशॉप ने किस तरह वुल्फ के मंसूबे को शिकस्त दे दी. 16 हाउ डिड बिशॉप गेट बैक द क्रिसमस गिफ्ट्स फ्रॉम वुल्फ, किस तरह बिशॉप ने क्रिसमस गिफ्ट वापस ले लिए वुल्फ से. 15 हाउ डज बिशॉप इज इन समथिंग टू टॉक अबाउट सेव क्रिसमस गिफ्ट्स, किस तरह बिशॉप ने क्रिसमस गिफ्ट बचा लिए. 16 हाउ डू द सिडनीज गेट देयर प्रीशियस पोजेशंस, किस तरह सिडनीज खानदान ने वो कीमती तहाइफ सामान
back वापस ले लिया from Wolf 2013. Describe the role played by Uncle Bishop in the play. इस प्ले में अंकल बिशप ने क्या रोल प्ले किया 2016. Wolf in Something to Talk About is a sheep in wolf's clothing. इस प्ले में वुल्फ भेड़िया नाम का जो चोर था दर हकीकत वो भेड़ था उसकी खाल बस भेड़िए की थी यानी कि अंदर से वो एक कॉमन मैन था डरपूक था बाजहर वो बड़ा खौफनाक नजर आता था 2016 डिस्कस और Why is the robber in Something to Talk About compelled? Something to Talk About में burglar, wolf, robber, डाकू वो मजबूर हो गया to remark ये कहने पर while addressing Bishop, Bishop से बात करते हुए Bishop को कहता है कौन? Wolf. You might be one of us yourself. अरे तुम्हें भी हम में से एक होना चाहिए था. बिशप पादरी है उसे कहते हैं तुम्हें चोर होना चाहिए था हमारे साथ मिलकर काम करते तुम बंदे बड़े काम के हो 2015 पेज नंबर 130 देखेंगे अपने नोट्स के क्वेश्चन 2 ड्रा द कैरेक्टर स्केच ऑफ वुल्फ वुल्फ का कैरेक्टर स्केच लिखें 2016 The rogues and the burglars may both come from the gutter or the palace. Wolf कहता है, बदमाश और हुकुमरान दोनों गटर से भी आ सकते हैं, गंदगी से भी आ सकते हैं, और the palace या महल से भी आ सकते हैं. Comment 2016. Comment on the wolf's remark. वुल्फ की इस बात के ऊपर आप कमेंट करें वुल्फ्स डू चेंज देयर हेयर भेड़िए अपने बाल तो तब्दील कर लेते हैं बट नॉट देयर हॉर्स लेकिन अपने दिल तब्दील नहीं करते यानी चोर सादा साधु पादरी तो बन सकता है लेकिन ऊपर ऊपर से अंदर से वो चोर ही रहेगा 2014 Describe the stir. वो stir हलचल बताइए that wolf the burglar creates जो wolf डाकू ने पैदा कर दी in a house घर में where nothing was happened जहां पर कुछ भी नहीं होता था 2015 सिडनीज के यहां कुछ भी नहीं होता था बस यहां पर या तो शादियां होती थी या कभी कभार जनाजे का फंक्शन होता था तो बर्गलर आया तो वहां तो एक्साइटमेंट पैदा हो गई क्वेश्चन 3 एक एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चंस हैं जो उनसे रिलेटेड हैं क्वेश्चन 3 डिस्कस द प्ले एज अ कॉमेडी डिस्कस करें प्ले कॉमेडी है मजा है डिस्क्राइब द प्ले एज एंटरटेनमेंट ये प्ले फुल ऑफ एंटरटेनमेंट है 2012 ब्रिंग आउट द ह्यूमर इन द प्ले इस प्ले के अंदर जो ह्यूमर है मजा है वो बयान करें समथिंग टू टॉक अबाउट बाय फिलपॉट्स 2014 एंजॉयिंग इन द इवन इन द वर्स्ट सरकमस्टेंसेस सबसे बुरे हालात में भी एंजॉय करना इज अ हॉलमार्क यही कमाल है ऑफ द मॉडर्न जनरेशन जदीद नई नस्ल का डिस्कस विद रेफरेंस टू समथिंग टू टॉक अबाउट बाय फिलपॉट्स 2015 कि नई नस्ल बुरे तरीन हालात में भी एंजॉय करने लग जाती है ये सवाल फ्यूटाइल क्वेश्चन है सवाल बनता नहीं है गलत सवाल उठाते रहे हैं 2015 व्हाट इंप्रेशन डू यू गैदर फ्रॉम द प्ले इस प्ले से आपको क्या इम्प्रेशन तासुर मिलता है अबाउट द लाइफ ऑफ द रिच इन दोज डेज
आजकल के अमीरों के बारे में क्या आपको इम्प्रेशन मिलता है 2015? एक्सप्लेन द टाइटल ऑफ द प्ले, प्ले का टाइटल एक्सप्लेन करें। यस, टाइटल बड़ा अहम है कि कहने को कुछ तो हो, बोरियत हो गई है। 2014, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द प्ले, प्ले का थीम क्या है 2008? देर इज ओनली सिंगल आंसर ऑफ ऑल अबव क्वेश्चंस, और यही आंसर आपका रेफरेंस कंटेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन है। अगर इसमें से लाइंस आएंगी रेफरेंस कंटेक्स्ट के लिए तो फिर भी आप यही मटेरियल लिख देंगे, ऊपर लिखेंगे दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्ले समथिंग टू टॉक अबाउट बाय फिलपॉट्स, आगे यही मटेरियल लिख देना है। बेटर है आप इसकी टेक्स्ट को रीड करें, इंजॉय करें। मैंने लाइन टू लाइन खूबसूरत ट्रांसलेशन लिख दी है नोट्स में। दिस इज़ योर होस्ट लेक्चरर एम के भुट्टा। माई व्हाट्सएप इज 0333465305 फॉर कंप्लीट नोट्स एंड कंप्लीट ऑडियो लेक्चर्स। आंसर क्वेश्चन नंबर 3 के नीचे ही देखिए, द मॉडर्न जनरेशन ऑफ इंग्लिश सोसाइटी, इंग्लिश सोसाइटी में जो मॉडर्न जनरेशन है लीड्स अ बोर एंड आर्टिफिशियल लाइफ, वो बोर और आर्टिफिशियल मसनूई जिंदगी जी रही है। दे आर कट ऑफ फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ पीपल, वो लोगों के लश्कर से कट ऑफ होकर जी रहे हैं। एज दे हैव नो जॉय, जैसे उनकी खुशियां ना हो बाकी, सो दे ट्राई टू फाइंड डिलाइट, पासो खुशियां तलाश करने की कोशिश करते हैं। इवन इन द वर्स्ट सरकमस्टेंसेस ऑफ लाइफ, इवन के जिंदगी के बुरे तरीन हालात में, This light comedy also portrays the life of the rich. ये light comedy ये मंजर कशी करती है जिंदगी की, किन की जिंदगी, अमीरों की जिंदगी की। Who wanted something unusual to break the routine, जो कुछ गैर मामूली चाहते हैं ताकि वो रूटीन को तोड़ सकें, and provide them some fun, और अपने आप को कोई फन प्रोवाइड कर सकें, एंड इंटरटेनमेंट, और इंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सकें, खुशी प्रोवाइड कर सकें। सो सिडनीज बिहेव सो मेरिली, बस इसीलिए सिडनी का जो बर्ताव था वो खुशगवार बर्ताव था, खुशी वाला था। किसके साथ? वुल्फ के साथ। लेयरली, उनका रवैया आसान रवैया था वुल्फ के साथ। पोलाइटली, शाइस्ता रवैया था सिंसियरली, और मेहरबान रवैया था जैसे दोस्त हों। कॉन्फिडेंटली, और उनका पुर एतमाद रवैया था। एंड क्लेवरली, और उन्होंने जो रवैया अपनाया वो बड़ा होशियारी वाला था, चलाकी वाला था। दैट द कैट बर्गलर, ये बिल्ली मार का डाकू, becomes bewilder, वो घबरा गया, पजल हो गया, bewilder हो गया on being treated with such respect, जब उसे ऐसी respect मिली। इतने अच्छे audience, देखने वाले और सराहने वाले, क्या बात है। And owing to such funny behavior, और इस funny behavior की वजह से Sydney succeeded, सिडनीज कामयाब हो गए टू गेट रिड, छुटकारा पाने में, फ्रॉम द टेरर ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की टेरर से। ये वुल्फ कहता है कि मैं टेरर ऑफ इंग्लैंड हूँ, यानी कि पूरा इंग्लैंड मुझसे डरता है। तो इस टेरर ऑफ इंग्लैंड से इन तमाम लोगों ने छुटकारा अपने इसी फनी और पोलाइट बिहेवियर से पाया। पेज नंबर 131 पर ही आप देखेंगे स्टार्ट में, वुल्फ
entered the house of Lord Redchester. Wolf entered, Wolf dakhil hua, house of Lord Redchester. Lord Redchester, iska ek chest red hai na, isiliye Redchester. Waise ye ek parinde ka naam hota hai Redchester. To surkha bhi keh sakte hain aap ise, surkha, theek hai? Nahi, ye theek nahi hai. Lord Redchester on Christmas morning at 3, Christmas morning mein aadhi raat ke baad 3 baje dakhil ho gaya. Kaun? Wolf. He was clad in tight fitting, usne tight dress pehna hua tha. He had a black cap on his head, black cap pehna hua tha, and a black mask over his eyes, apni aankhon par black mask. He had an automatic revolver to shoot down anybody. Kisi ko bhi qatl karne ke liye uske paas automatic revolver hai. Bar bar wo kehta hai, agar tum logon ne thodi si bhi harkat ki to I'll plug you all, to main tum sab ki chutti kar dunga. He is wonderful, hairan kun shakhsiyat hai, strength ajeeb hai, active, confident, passionate, hai mahabti bhi hai. Wo latest jo ladki thi to uske upar zara thoda sa mohabbat bhi nichhawar karta hai. Practical, optimistic, practical, karigar aadmi hai, optimistic, aur pur umeed bhi hai ke wo tijori ko phaad dalega. And philosopher, aur falsafa bhi jaante hain janab. Lady Redchester's remark about criminal classes, jab Lady Redchester apne afkar bayan karti hai criminal classes ke bare mein, ke jaraim pesha logon ke bare mein jab wo kuch kehti hai, ye bahut annoys Wolf, Wolf ko naraz kar deti hai. He remarks, aur wo Wolf kehta hai, Lady Redchester ko jawab deta hai, there ain't no criminal classes, yahan par koi criminal classes nahi hoti. Inverted commas mein aapne pointer se highlight karna hai, there ain't, nahi hoti. No criminal classes, koi bhi nahi hai criminal classes. Ain't ka matlab or not. Koi bhi jaraim pesha tabka nahi hota, any more than virtuous classes. Jaise virtuous classes nahi hoti, nek tabka nahi hota. The rogues and the rulers may both come from the gutter. Badmash aur hukumran dono gandagi se bhi aa sakte hain. Or the palace, aur wo kisi saaf sutre mahal se bhi aa sakte hain. Wolf seems right in his philosophy. Wolf bilkul theek tha apni philosophy mein. That good or bad persons may belong to any family. Achhe aur bure log kisi bhi family mein se ho sakte hain. When Bishop advises Wolf to change and become God's sheep, jab Bishop advise karta hai Wolf ko, kehta hai tabdeel ho jao mere bhai aur khuda ki bhed ban jao, sharif aadmi ban jao, khuda ke bande ban jao. Wolf remarks, Wolf jawab deta hai, wolves do change their hair, Wolf apni khal aur baal to tabdeel kar sakte hain, but not their hearts, lekin wo apne dil tabdeel nahi karte, yani man mein wo chor hi rehte hain. Perhaps he wants to show that, shayad wo ye dikhana chahta tha, he is a dangerous person, ke wo intihai khatarnak aadmi hai. But Bishop, Lettice, Bishop aur Redchester ki beti Lettice and Guy, aur Guy beta, trapped him. Ye sare milkar Wolf ko phasa lete hain, and proved that, aur sabit kar dete hain, Wolf was in fact a sheep, ke Wolf dar hakikat ek bhed tha, in Wolf's clothing, jisne bhediye ki khal pehen rakhi thi. Ye daku dar hakikat man mein sharif aadmi hi tha.
पेज 130 पर देखेंगे, बिशॉप, बिशॉप बोर्ड लिखा हुआ है, बिशॉप इसका असल नाम चार्लिस है, बिशॉप ब्रदर ऑफ लॉर्ड रेडचेस्टर, भाई है लॉर्ड रेडचेस्टर का, इज अ क्लेवर करैक्टर, ये बड़ा चालाक करैक्टर है, एंड रेस्क्यूअर ऑफ सिडनीज ट्रबल, और सिडनीज को मुसीबत से रेस्क्यूअर बचाने वाला है, ही टोल्ड वुल्फ, ये वुल्फ से कहता है, दैट अ वेरी रिच फैमिली ऑफ लॉर्ड वेलबॉय लिव्ड इन द नेबरहुड, देखो वुल्फ हमारे हमसाया में एक लॉर्ड वेलबॉय फैमिली रहती है, दे वुड बी डाइनिंग विद देम, और हम उनको खाने पर मधु कर रहे हैं, द नेक्स्ट नाइट अगली रात, ही कुड ईजली रोब देयर हाउस, तुम उसी वक्त जाकर आसानी से उनके घर को लूट सकते हो, इन देयर अब्सेंस, जब वो अपने घर में नहीं होंगे बल्कि हमारे घर खाने पर होंगे, कलेक्टिंग मच लार्जर फॉर्चून, और वहां पर तुम्हें कहीं ज्यादा दौलत मिलेगी, देन ही हैड हैड फ्रॉम द सिडनी फैमिली, हैड हेल्पिंग वर्ब, हैड वर्ब, जितना के वो सिडनी फैमिली से अभी लूट कर जा रहा है, ऑन दिस स्पॉट, इस मौका पर वुल्फ बिकेम हैप्पी, वुल्फ खुश हो गया, समझ आ गई बात, बिशप ने कहा वेला भाई साथ ही रहता है, हमारे हमसाये में बहुत अमीर है, वो कल शाम को हमारे यहाँ दावत पर आएगा, तुम पीछे से उनकी दौलत लूट लेना, तो बहुत पैसा दौलत मिलेगी, सिडनी का ये जो तोहफे हैं थोड़ी वैल्यू के हैं, तो इस पर वुल्फ बड़ा खुश हुआ एंड सैड, और कहा यू माइट बी वन ऑफ अस, अरे तुम्हें तो हम में से एक होना चाहिए था, मुजरिम चोर होना चाहिए था, ही रिटर्न्स ऑल द ज्वेलरी टू द सिडनीज, वो इस सिडनी फैमिली को सारी ज्वेलरी वापस कर देता है, एंड गोज अवे हिज प्लानिंग ऑफ रोबिंग लॉर्ड वेलबॉय, और चला जाता है मनसूबा बनाने कि वो लॉर्ड वेलबॉय को कैसे लूटेगा, थस अंकल बिशप प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, अंकल बिशप बड़ा अहम किरदार अदा करता है, इन दिस वे ही आल्सो प्रूव्स दैट, इस तरह से वो ये भी प्रूव करता है, वुल्फ वाज इन फैक्ट अ शीप इन वुल्फ्स क्लॉथिंग, वुल्फ दर हकीकत एक भेड़ ही था जिसने खाल भेड़िए की पहनी हुई थी, This witty plays full of wit, ये प्ले भरा हुआ है अकली मजा से, vitality ताकत से, विर्व एंड विगर का मतलब भी होता है ताकत, जोर, पुरजोश है ये प्ले, This shows the mastery and command of the playwright, playwright dramatist writer, और ये चीज़ शो करती है मास्टरी एंड कमांड के प्ले राइट यानी कि राइटर को मास्टरी एंड कमांड अबूर हासिल है ऑन द लैंग्वेज लैंग्वेज पर द थीम ऑफ दिस फनी प्ले लाइज और इस फनी प्ले का थीम मौजूद है इन लास्ट लाफिंग रिमार्क्स ऑफ रेडचेस्टर रेडचेस्टर के आखिरी रिमार्क्स में क्या रिमार्क्स थे रेडचेस्टर के समथिंग टू टॉक अबाउट एट लास्ट आखिरकार कहने बताने को कुछ तो हुआ एंड कॉमेडी लाइज मेनली इन और मजा का असल मजा वहां पर है द टेबल्स टर्न्ड जब बाजी पलट जाती है वुल्फ लूटने आया था हर चीज देकर चला गया नोट्स में पूरे प्ले की उर्दू कर दी गई है लाइन टू लाइन आप उर्दू एंजॉय कीजिए
और ऑडियो सुनने के बाद कभी कभी शेयर और लाइक भी दे दिया करें, कोई कमेंट भी दे दिया करें. सो नाइस ऑफ यू.